जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24, 25 पर चर्चा करेंगे। सुखम अत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्रहम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चेयम स्थितश्चलति तत्त्वः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के विषय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। जब योगी अपने मन को संयमित करके आत्मा में स्थित होता है और अपनी आत्मा में ही आत्मा को देखता है तो उसे एक परम आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद इंद्रियों से परे और बुद्धि से ग्रहण करने योग्य होता है। इस अवस्था में स्थित होकर वह व्यक्ति कभी अपने स्थान से विचलित नहीं होता। अर्थात जब साधक योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर संसार की कोई भी वस्तु या लाभ बड़ा नहीं लगता। यह स्थिति परमात्मा से जुड़ने की स्थिति है, जहाँ पर लगता है कि जैसे हम सब कुछ पा चुके हैं। इस अवस्था में पहुँचने के बाद मन कभी डगमगाता नहीं, हमारी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। यम लब्ध्वा चापरम लभम मान्यते नाधिकम तत्तः अस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचालयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक साधक इस उच्चतम योग की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने संसार का सबसे बड़ा लाभ पा लिया। उसे किसी भी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसके लिए इस योग से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस साधक को अपने भीतर एक अद्भुत संतोष और शांति का अनुभव होता है। तम विद्या दुखा संयोग वियोगम योग संगीतम। अर्थात योग की स्थिति में स्थित साधक को कोई भी भारी से भारी दुख भी विचलित नहीं कर सकता। इस स्थिति में वह हर तरह के दुख और मानसिक पीड़ा से मुक्त हो सकता है। इसे श्री कृष्ण दुख संयोग वियोग कहते हैं। अर्थात ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति का दुखों से मिलन खत्म हो जाता है। इस श्लोक की सीख असली शांति और खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा संकल्प प्रभावन काममस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस एव इंद्रिय ग्रामन विनियम समन्तः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और धैर्य के साथ करना चाहिए। साधक को अपने मन से सभी सांसारिक इच्छा और कामनाओं को पूरी तरह त्याग देना चाहिए। मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करके बिना किसी विक्षेप के इस योग का अभ्यास किया जाना चाहिए। अर्थात ध्यान या योग के रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे मन का इधर उधर भागना, विचारों का आना जाना या निराशा या उदासी महसूस होना। ये इच्छाएं हमारे मन को संसार से बांधती है और हमें ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए इन इच्छाओं से मुक्त होना जरूरी है। हमारी इंद्रियां हमें बाहर की दुनिया की ओर खींचती हैं, ये मन को भटकाने का काम करती है। ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इंद्रियों को काबू में रखें ताकि वे हमें बाहरी चीज़ों में न उलझाएं। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण हमें संदेश देना चाहते हैं, जो व्यक्ति ध्यान योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसे अपने मन को अड़ी और इच्छाओं को से मुक्त बनना चाहिए। स्नेह स्नेर उप्रमेद बुद्धिया धरती गृहता आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित चिंते। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसे ध्यान और मन के नियंत्रण में धीरे धीरे प्रगति करनी चाहिए। हमें तुरंत मन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इस काम को एक तरीके से करना चाहिए। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो समय के साथ साथ होती है। अर्थात ध्यान का एक बेहतर तरीका है कि आप शांत स्थान पर बैठे और अपने मन को धीरे धीरे सांसों पर केंद्रित करें और अपने मन को भटकने से रोकें। जब मन भटके तो उसे फिर से आत्मा या शांति की तरफ लाएं। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास से मन को नियंत्रित करना संभव हो जाता है। गीता ज्ञान की खोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।